अपार शक्ति खुराना एक स्वयंभू खाने के शौकीन हैं। अभिनेता खाने के शौकीन हैं और दिल्ली के सभी प्रसिद्ध स्थानों को दिल से जानते हैं। जब अभिनेता छुट्टी के लिए राजधानी जाते हैं तो उनके पास खाने के लिए स्थानों की एक लंबी सूची होती है। इस बार वो हमें सरोजिनी नगर ले गया, जहां उसने दही भल्ले और पकौड़े खाए और खाने के अपने प्यार के बारे में बात की। मैं लगभग 4 साल से दही भल्ले और पकौड़े के लिए यहां आ रहा हूं। गौरव वासन एक फूड ब्लॉगर है। दिल्ली में हमारी कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम थी। हम खेल के बाद यहां पालक चाट के लिए आएंगे। हम खाने को लेकर यात्रा करते थे और इस तरह मुझे इस जगह के बारे में पता चला। उन्होंने कहा, मुझे यहां खाए बिना दिल्ली की अपनी आखिरी यात्रा याद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली और देश भर में कई लोगों को नए भोजन स्थलों से परिचित कराने का श्रेय लेते हैं। दिल्ली और भारत के कई खाने पीने की जगहों से कई लोगों को परिचित कराने का श्रेय मुझे ही जाता है। मैं अपने दम पर नए चिकन टिक्का, पापड़ी और मोमो स्थान ढूंढता था, उन्होंने कहा। क्या वो रसोईया है? मैंने चटनी वाला चिकन नाम की एक नई डिश भी ईजाद की है जो मेरी पत्नी को पसंद है। अपार शक्ति का कहना है कि अभिनेता बनने से पहले उन्होंने शहर में काफी समय बिताया और ये जगह उनके लिए खास है। मैं अच्छे गानों और फिल्मों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपात स्थिति में भोजन ही मेरा बैकअप प्लान है। मेरा खुशी का स्थान, यह मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। जब मैं बाकी जग का खाना से बीमार हो जाता हूँ तो मैं भोजन के लिए दिल्ली जाता हूँ। मेरे लिए भोजन लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम, पत्नी, बेटी और खेल। अगर खाना अच्छा नहीं है तो मैं उसे खाता हूँ और पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों। खाना खराब होने पर मैं लोगों पर चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन अगर देर हो जाती है तो मैं परेशान हो सकता हूँ। यह किसी से प्यार करने और उनकी खामियों को स्वीकार करने जैसा है, उन्होंने समझाया।